अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोज़ किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज मैं शेयर करूँगी महाराष्ट्र और गुजरात की फेमस मूँगफली। नमकीन मूँगफली बनाएंगे आज हम। यहाँ पर मैं एक बाउल ली हूँ मूँगफली, आधा किलो मूंगफली है और नमक लिए हैं हमने 2 टेबल स्पून। मूंगफली मैं थोड़े से बड़े साइज़ के लिए हूँ फ्रेंड्स, आपके पास जो मूंगफली है यूज़ करिएगा। हमने यहाँ पर एक तपेली लिए हैं, इसमें बड़े ग्लास से 2 ग्लास पानी डाले हैं और 2 टेबल स्पून हमने डाले हैं इसमें नमक। और नमक डालकर हम पानी को उबलने देंगे यानी कि बॉयल होने देंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे मूँगफली। हमने पहले ही पानी गर्म किए थे फ्रेंड्स और हल्का सा ये बॉयल हो रहा है, इसमें हम डाल देंगे मूँगफली। आप जो मूंगफली यूज़ करना चाहते हैं, छोटी साइज़ की आती है, मेरी बड़ी साइज़ की है फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये साइज़ की मूंगफली है तो इसे इस्तेमाल करिए। हम मूंगफली डालकर चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे 5 मिनट। हम मूंगफली तो घर में भी रोस्ट करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि सीख लेते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं बन पाती है। ये अलग टाइप से बनती है, एक तरह से सीखी जाती है, यानी कि सारे दाने एक जैसे सेके जाते हैं। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम पे हमने इसे 5 मिनट उबाल लिया है, मूंगफली को पका लिए हैं। अब हम इसे ड्रिल आउट कर लेते हैं। मैं यहाँ छाननी से निकाल रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो झारा आता है इसी से निकाल लेती हूँ। अब मूंगफली को निथार कर हम रख देंगे कॉटन के कपड़े पे फैलाकर इसे, ताकि इसका पानी सारा सूख जाए। और हम मूँगफली फैलाकर सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे फैन के नीचे। हमें मूँगफली को ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, हल्की सी सूख जाएगी। हमें ऐसी ही मूँगफली चाहिए, ज़्यादा सूखी मूँगफली नहीं चाहिए। अब मैं डाली हूँ यहाँ पर एक टॉवेल और उसके ऊपर हम इसे फैला देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ खिड़की से हवा मेरे तेज़ आ रही है इसीलिए मैं यहाँ पर रखी हूँ, आप चाहे तो फ़ैन के नीचे रख सकते हैं। हमने 10 मिनट मूंगफली को सुखा लिए हैं और साइड में हमने कढ़ाई गरम रखे हैं, उसमें डाले हैं नमक। नमक डाले हैं हमने 1.5 कप, यानी कि 1 और आधा कप नमक डाल दिए हैं कढ़ाई में। और चम्मच चलाते हुए नमक को हम अच्छे तरीके से पहले गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। हम मूंगफली को भी मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे फ्रेंड्स, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखिएगा। चम्मच चलाते हुए हम मूंगफली सारी रोस्ट करेंगे जैसे हम मूंगफली डाल रहे हैं। मूंगफली पे नमक चिपक रहा है फ्रेंड्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे मूंगफली रोस्ट होगी नमक सारा निकल जाएगा और गर्म नमक में हमारी मूँगफली बहुत अच्छे तरीके से सिकी जाएगी फ्रेंड्स। वैसे ही लगेगी खाने में क्रिस्पी, जैसे हम बाहर से खरीद कर खाते हैं। और इसे हम चम्मच चलाते हुए 10 से 12 मिनट इसे रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और हमें एक बात का ध्यान रखना है, चम्मच चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है फ्रेंड्स, चम्मच चलाते हुए ही इसे पकाना है। हमने चम्मच चलाते हुए इसे 8 मिनट पका लिए हैं। और मूंगफली को हम गरम नहीं खाएंगे, ठंडी कर ही खाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मूंगफली गरम है तो नरम लगेगी। और इसे हम 10 मिनट ऐसे ही रख देंगे प्लेट में निकाल कर। मूंगफली जैसे ही ठंडी हो जाएगी फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी और उसी तरीके से लगेगी जैसे हम बाहर से खरीद कर खाते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मेरी रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। नमकीन मूंगफली को महाराष्ट्र में खारे मुरे कहते हैं, खारे मुरे के नाम से पहचानी जाती है ये नमकीन मूंगफली। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।